कांग्रेस ने अलका लांबा को जब से कांग्रेस की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, तब से ही महिलाओं में बड़ा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर बदरपुर जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांता शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और अलका लांबा को कांग्रेस की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा ने शिरकत की। ये कार्यक्रम श्रीनिवासपुरी के एक मंदिर में हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई नव निर्वाचित कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा का बदरपुर जिला से महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कांता शर्मा ने फूल माला पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़कर भव्य स्वागत किया। तो वही इस कार्यक्रम को आयोजन करने पर अलका लांबा ने कांता शर्मा को शॉल ओढ़कर धन्यवाद किया। वही कार्यक्रम में महिला कांग्रेस कमेटी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सत्वे सिंह भी उपस्थित हुई। कांता शर्मा ने महिला कांग्रेस कमेटी की दिल्ली अध्यक्ष पुष्पा सत्वे सिंह का भी फूल माला पहनाकर शॉल ओढ़कर स्वागत किया। वही अलका लांबा ने भी महिला कांग्रेस कमेटी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सत्वे सिंह का शॉल ओढ़कर स्वागत और धन्यवाद किया। वहीं कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं से बात करते हुए कहा कि हमारी नेता राहुल गांधी ने पहले भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब महंगाई, बेरोजगारी, न्याय के लिए मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश में फिर से कांग्रेस की सरकार लाकर आनी है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि आप देश में महिलाओं और बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये गूंगी पैरी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। वही बदरपुर जिला से महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कांता शर्मा ने कहा कि हमने ये कार्यक्रम हमारी नव निर्वाचित कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष बनाई गई अलका लांबा जी के स्वागत में रखा है और यही से आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज भी हो गया है। हमें पता है कि इस सम्मेलन से आगे आने वाले चुनाव में बहुत बल मिलेगा। कांता शर्मा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा के बाद अब भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इस देश की जनता को इस तानाशाह सरकार से न्याय मिल सके। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार विपक्षी नेताओं के घर ईडी भेजने में लगी हुई है। कांता जी ने आज पहला अपना जिला की मीटिंग बुलाई, अपनी स्थानीय महिलाओं को बुलाया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक नारा है नारी न्याय। महिला कांग्रेस नारी के साथ हो रहे उस अन्याय, उस अपमान, उसकी जो भागीदारी है उसको लेकर आवाज़ जागरूक कर रही है। पिछले 22 दिन में 11 राज्यों का दौरा करके मैं दिल्ली लौटी हूँ। कल 11 हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका बहुत बड़ा सम्मेलन भी है। मैं सबको आमंत्रित कर रही हूँ पूरी ताकत। बजट के बाद आपने देखा, बहनों से जब पूछा महंगाई से राहत है, सब्सिडियां आ रही हैं, घरेलू सिलेंडर कितना है, तो सच्चाई ये है। सच्चाई करोड़ों रुपए के विज्ञापन जो आपके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, टीवीओं पे दिख रहे हैं, वो विज्ञापन करोड़ों रुपए के, हकीकत आपके सामने थी कि बहनें महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। धन्यवाद। जो नई यात्रा चल रही है, आज आप उस यात्रा से वापस आए हैं? मैं वापस जा रही हूँ, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का सभा है गीता कॉलोनी में और हमारी महिलाओं का अधिवेशन, तो उसके लिए ही वापस लौटूंगी। की उद्देश्य था हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी बनी है और वो पूरे दिल्ली ही नहीं पूरा भारत जानता है कि उनकी आवाज़ महिलाओं के लिए कितनी मजबूत है। आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को एक मजबूती दी जाए और अलका मैडम हमें मजबूती दे रही है और हम उनके माध्यम से सारी महिला शक्ति को मजबूती दें, उनकी टीम में काम करें, क्योंकि जब तक एक महिला जो घर चलाती है वो ही अपना सशक्तिकरण नहीं कर पाएगी तो वो परिवार का कैसे पालन करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला राजनीति में हो। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप भाषण दो स्टेज पे। एक महिला अगर 10 घरों को सुधारती है, एक परिवार को सुधारती है, तो वो भी एक महिला का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। और लोकसभा चुनाव में मैं चाहती हूँ कि महिला शक्ति, मुझे ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगी। आज इस कार्यक्रम में आई हैं, वो किस तरीके से महिलाओं से चर्चा की है, किन मुद्दों पर चर्चा की है? देखिए, उनका जो महिलाओं से मुद्दा था बात करने का, वो था बेसिकली महिला सशक्तिकरण और एक जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आज जैसे कि अलका मैम बता रही थी कि हमारे औरत की लड़ाई जो है वो घर से नहीं, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। माँ के गर्भ से, क्योंकि बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, सबसे बड़ी लड़ाई तो उसको वहीं से लड़नी पड़ती है। तो ये लड़ाई हमारी एक औरत की
चालू रहती है और आज यही हमें वो बता के गई है महिलाओं को। अभी 2024 में कितना बल मिलेगा इस कार्यक्रम से और आपके क्षेत्र से? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को लाएगी बहुत मजबूती मिलेगी और हम पूरा जोर शोर से साथ देंगे। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।